घर का हाल अभी तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो। और गिफ्ट्स जो है उसमें मैं ज़्यादातर तो ये जो कांसे की थाली दिख रही है आपको यहाँ पे, ये अंदर कांसे की थाली निकले थे और कपड़े थे, और ये तो टेबल सॉरी चेयर और टेबल मैंने ये दीपक ने गिफ्ट किया हुआ है जो यहाँ पे। और साथ ही साथ किचन का हाल दिखाती हूँ मैं आपको यार। केक ऐसी पड़ा, पपीता ऐसी कट के पड़ा हुआ है, चपाती वगैरह जो भी है सब मैसी मैसी सा है सब कुछ। ठीक है, यहाँ पे भी हाल ख़राब है। अब मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ कि बाहर क्या हाल हो रखा है। बाहर आप देख सकते हो मैंने अभी भी कपड़े बाहर निकाले सारे, धोने के कपड़े। यहाँ पे ये गलीचे वगैरह हॉल मैंने साफ़ कर दिया है। और मैं आपको दिखाती हूँ, पहले मैं खुद ही चलती हूँ वहाँ पे। तो यहाँ पे हॉल तो साफ़ कर दिया, बर्तन मैंने बाहर निकाल दिए, हॉल के सारे जो भी गलीचे गद्दे जो भी पीछे थे सब निकाल दिए, क्योंकि रात में जो था ना सबने पैर से दबा दबा के हाल ख़राब कर दिए थे डांस करते टाइम। तो अभी मैंने यहाँ पे खाली कर दिया पूरा हॉल, और बस एक टेबल चेयर, क्योंकि आज हमने यहाँ पे सोफ़े डालने, जो भी हमारे एक जोड़ी सोफ़ा यहाँ लग चुका है, एक जोड़ी पीछे सोफे वाले कमरे से लागे लगाएंगे और 3-4 जोड़ी नीचे हॉल में है, वो हॉल से यहाँ लेके आ जाएंगे पुराने घर में। तो ये बाकी लाइटिंग चली भी है वहाँ पे, तो ये यहाँ पे खाली है। डाइनिंग टेबल वगैरह भी सब ला के इसी में लगाना है, तो डाइनिंग टेबल से लेके दीवान से लेके सारे जो भी हमारे पास सोफे जितने भी है वो सारे यहाँ पे डाल देने। बाकी यहाँ पे थोड़ा बहुत मम्मी और मैंने साफ़ कर दिया था, और एक विहान को पेंटिंग दिए जो दीपक के मामू हैं उन्होंने, तो बहुत सुंदर पेंटिंग है। और ये विहान को बर्थडे में गाड़ी गिफ्ट मिली है, और जब ये चार्ज होता है तब बचता नहीं है, तो ये कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है। और ये बाकी चार्जिंग में मैं रख देती हूँ, बाकी आएगा तो खेलेगा बेचारा। और ये है उसकी गाड़ी, बाकी यार ये मेरी फ्रेंड ने दिया, बाकी बाकी कुछ नहीं, बाकी चलते हैं। बिल्ली भी आ रही है, इंतज़ार कर रही है, बाकी चलते अंदर। और यहाँ पे दीपक भाई साहब, हाँ खाना, भूख लगी है खाना। हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो अभी टाइम हो रहा है 1 का, और फिलहाल मैं आई थी खाना बनाने के लिए। और इससे पहले जो आपने देखा वो था पिछले घर का, थोड़ा बहुत शूट किया था उस टाइम, साफ़ सफाई हो रही थी। और कल जो था शाम तक ही मैंने जो है साफ़ सफाई की थी, बहुत ज़्यादा बिजी थी पिछले घर। और फिर इस चक्कर में मैंने सिर्फ ऊपर डांस डांस वाला पोर्शन शेयर किया, वरना मैं पूरा शेयर करने वाली थी, बहुत कुछ शूट किया था मैंने बट नहीं कर पाई। तो मतलब बर्थडे में जो शूट किया था वो शेयर करने वाली थी, तो मैंने सोचा कि अब इतना टाइम ही नहीं था कि मैं मतलब वो सब एडिट कर पाऊँ, जितना मुझसे पॉसिबल हो पाया उतना शेयर किया। फिलहाल गले में दर्द है, और कल साफ सफाई में ही पूरा दिन बीत दिया था। रात के 9 बजे मैं फ्री हुई थी, और बस ऐसे ही। आज तो मौसम ख़राब है फिलहाल, तो भाई सब शोर मचा रहे। और साथ ही साथ जो है आज पेंट का काम चला हुआ है बाहर, बाहर पेंट बचा हुआ था तो हमने सोचा कि बाहर से भी कर लेते, जो इसका पुराना पेंट है वो यूज कर रहे, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर पे। फिलहाल मैं दीपक और मेरे लिए पुलाव बना दे रही हूँ, घर पे कोई नहीं है, और वैसे भी मेरी आवाज़ आपको लगी रही होगी कि बैठी है, तो ये सब कुछ। और देखते हैं क्या रहता है, पूरे दिन भर विहान स्कूल जा चुका है, विवानिया है, मम्मी वगैरह जो गए हैं वो गए हैं काम से। एक्चुअल में हमारे जो, मैं आपको कैसे बताऊँ, हमारा जो मैंने आपको बताया था कि पानी जो है वो टर्न वाइज लगता है, तो उसके लिए पहले जो नहर से पानी आता है तो उसके लिए कूल बना होता है, कूल में से जैसे नाली होती है ना तो उसको कूल बोलते हैं, तो उस नाली को साफ़ करना पड़ता है, तो वो साफ़ करने के लिए पूरे गांव वाले जाते हैं। तो उस घर के मम्मी गए हमारे घर की तरफ से, हर घर की तरफ से एक दो आदमी जाते हैं, तो मम्मी गए हैं और दीपक है पीछे, विवान मेरे साथ है, पापा पियो गए हुए हैं, बाकी पेंटर बाहर पेंट करे। और दिखाती हूँ मैं आपको यार, बाहर वैसे तूफान भी बहुत चली हुई है, बाकी दिखाती हूँ क्या रहता है पूरे दिन भर, देखते हैं। फिलहाल तो गले की बैंड बजी हुई है तो इतना अच्छे तरीके से बोला भी नहीं जा रहा, बाकी कुछ नहीं, देखते हैं, बहुत शोर मचा रहा है सब। तो अभी मैं आई हूँ इनसे खेत में, क्योंकि मेरे जो है वो गलीचा गिर गया और ऊपर ना पेंट हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। वहाँ पे भैया पेंट कर रहे, क्योंकि वहाँ पे ना मतलब प्लस्तर नहीं किया हुआ है, इस करके ऊपर वाले मंजिल में दीवारों पे और इस पे पेंट हो रहा है। यहाँ देखते तो बट इस मंजिल पे नहीं हुआ है, बीच वाले में हो रहा है, बाकी कुछ इस तरीके का लगता है ऐसा नज़ारा।
हे एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी टाइम हो रहा है 4:30 का और मैं विहान को लेने ऊपर आई हूँ और आपको ऊपर वाले मंजिल में लेके आई हूँ। तो ऐसे पर ऐसे ही रखा हुआ कबाड़ कबाड़। बाकी फिलहाल वो टॉप फ्लोर पे और यहाँ से नीचे का व्यू कुछ ऐसा ऐसा सा दिखता है। मेरा फ़ोन ना छूट जाएगा नीचे दिखाने के चक्कर में। बाकी कुछ नहीं है। हाथ मुँह बर्थडे के वास्ते नहीं धोया हुआ है तो बहुत गंदा दिख रहा होगा। बाकी यार विहान को लेने के लिए आई हूँ। बाकी देखते क्या रहता है। आज सोफे भी लाने का सोचा है, नहीं लाए थे पिछले कल, टाइम नहीं लग पाया था। आज है तो है लेबर, तो देखते हैं। उनको बोलते हैं भैया मेरे को घर वो लेकर आते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ अपने बस का तो नहीं इतना सारा सोफ़ा चेक के लाना। तो देखते क्या रहता है, जो भी देखा आगे शेयर करूँगी। फिलहाल विहान की बस अभी नहीं आई है और यहाँ से मैं आपको व्यू दिखा देती हूँ। यहाँ से व्यू कुछ इस तरीके का दिखता है। और सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा हरियाली हो चुकी है। सेब के पौधे हरे हो चुके हैं, चुली के पौधे हरे हो चुके, तो सारे हरा हरा सा दिख रहा है। और हवा चली बहुत तेज़ फिलहाल। और यहाँ से अनाज भी हरा हो चुका है बट बीच में हरा नहीं है क्योंकि वहाँ शायद पानी ढंग से नहीं पहुँचा है, फिर पता नहीं क्यों कि हवा की बात पूछना ही दे रही होगी आपको। आई थी मैं, मुझे लग रहा है बस आ रही है शायद, घर घर की आवाज़ तो आ रही है। देखते हैं आती है नहीं आती, आती है नहीं आती, आई है नहीं आई। आ गई बस। आपके नाम क्या है? कहाँ से आया? स्कूल से। दीवार में इसमें मत चिपकना, पिंक टू हुआ है यहाँ पे लड़की का स्वेटर में। वियान पंग टू टिम टिम को कुछ खाना है। तो मम्मी वगैरह जब आए थे बर्थडे पे तो विहान के लिए बहुत कुछ लेके आए थे। इसमें तो क्या खाना, किंडो जॉय, ये किंडो जॉय क्या चाहिए, और चॉकलेट, ये कौन लाया, नानी। हाय गाइस, तो बोल दो, आपको लोगों ने काफ़ी टाइम से देखा। हेलो तो बोलो, हाय। हाँ देखो बाहर से आया हीरो, आया हीरो। हीरो फिलहाल जो है ना बहुत तेज़ तूफान चल रही है और मैं आपको अंदर दिखाती हूँ कि हमने क्या लुक चेंज किया हॉल का। तो फिलहाल यहाँ पे सारे सोफ़े जो है वो यहाँ लेके आ गए और इस तरीके से यहाँ पर डाला हुआ है। वो सोफ़ा उसके साथ पूरा फिट नहीं हो रहा था दीवार में क्योंकि 7 सीटर है, तो इस करके दो मतलब एक वहाँ पर एक है और इसका एक पार्ट यहाँ पर डाल दिया। तो इस तरीके से सजा दिया है फिलहाल, मतलब टेम्परेली सजाया हुआ क्योंकि भी नीचे फर्श में कुछ और लगना है, मतलब गलीचा या फिर कारपेट कुछ भी हो सकते हो लगाना है। बाकी डाइनिंग टेबल हमने वहाँ पे ला के रख दिया है, अभी उसके बस माने। और वहाँ एक जोड़ी सोफ़े वहाँ डाला हुआ है, एक यहाँ पे डाला हुआ है। तो इस तरीके से सारे सोफ़े भर दिए फिलहाल। यहाँ पर दीवान के लिए कोई स्पेस नहीं है, बाकी यहाँ पे गलीचे डाल देंगे तो कम्प्लीट हो जाएगा। बाकी हमने ये सब कुछ करना था बट उन्हें मेहमान आ गए और फिर हम हुए मेहमान के साथ बिज़ी। तो अभी भी है मेहमान, तो मैं तो व्लॉग के पर्पज़ से इधर आ गई और बना रही हूँ। थोड़ा बहुत पिछले कल का था तो मिक्स मैच करके लगा दूँगी, मिक्स मैच मतलब कि मिक्स करके लगा दूँगी, मिक्स मैच तो ऐसे वो जैसे कलर मैच करना हो, तो कुछ इस तरीके का बस। बाकी अभी फ़िलहाल जब प्रॉपर तरीके से सेटिंग हो जाएगी तो मैं फ़ोटो भेज दूँगी। मम्मा लिख के दूंगी बात, इसके ऊपर लिखो फिर, इतना नहीं करना आपने, बैठ जाओ सेट। जूस मैं दूंगी जूस, पहले आप यहाँ होमवर्क कंप्लीट करो, फिर आपको जूस भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। हेलो अब लिखो आई फॉर आइसक्रीम। लिखो यस, वेरी गुड। कोई बात नहीं तब खाएंगे। कौन भैया? तब मैं भैया खाएंगे ना, तब बिस्कुट देते। सो ही एवरीवन, तो अभी टाइम हो रहा है 7:30 का और फिलहाल जो है मतलब अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मेहमान गए तो सुबह आए थे, उसके बाद ऐसी गप्पे मारते मारते शाम हो गई। तो अभी गए, अब जाके हमारा बहुत सारा काम है जो हमने करना है, साफ़ सफाई से लेके खाना बनाने का काम। तो खाना तो मैं बना रही हूँ, साफ़ सफाई फ़िलहाल मम्मी कर रहे हैं और काफ़ी चीज़ें साफ़ करने की रह गई हैं।
बाकी आज तो मैं 2-3 दिन का व्लॉग जो थोड़ा थोड़ा बनाया था उसको मतलब इकट्ठा करके डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है ना 2-3 दिन में बहुत ज़्यादा काम रह गया था बर्थडे के उससे, तो वो सब करके इकट्ठा करके डाल रही हूँ। बाकी कल से आपके लिए प्रॉपर व्लॉग्स आएंगे जितना मतलब जो भी पूरे दिन का रूटीन रहेगा, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना कि बहुत सारा काम होता है और चीज़ें नहीं हो पाती है जैसा हम सोचते। और पिछले कल मैंने डालना था बट व्लॉग, बट लाइट नहीं थी पिछले कल, तो इस वजह से मैंने व्लॉग नहीं डाला और एडिट भी नहीं किया। और खैर 6 बजे लाइट गई थी और 6:30 कर लाइट गई थी, बहुत ज़्यादा तेज़ तूफान चल रही थी इस करके लाइट चली गई और फिर सुबह के टाइम पे लाइट आई, तो कल व्लॉग नहीं आया इस कारण से। बाकी अब कल से आपके लिए प्रॉपर व्लॉग आएंगे। बाकी आज जो भी है यही है, बाकी आज का व्लॉग आप इंजॉय कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बाकी सब्सक्राइब तो करके जाया करो यार देखने के बाद। बाकी कुछ नहीं, बाकी मतलब आपसे कल नए व्लॉग में देखते हैं, कल क्या रहता है। कल मैं कहीं जाने का भी सोच रही हूँ, अगर पॉसिबल हो पाया तो देखते हैं जाते हैं, नहीं हो पाता नहीं जाएंगे। मतलब ये कहाँ जाना तो कल आपको कल ही पता लगेगा, एडवांस में नहीं बोलूँगी, तो देखते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे कल नए व्लॉग में, तब तक के लिए।